हेलो गाइस, तो आ चुके हैं साइंस एक सूरज चांद के साथ। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में मैटर यूनिवर्स अराउंडिंग को चालू कर दिया था, इस लेक्चर में चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए जैसे प्रश्न का नाम लेकर करते हैं शुरू। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि मैटर की तीन स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और आप इससे वेल अवेयर थे कि ये क्या होते हैं और क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है। इस लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि क्या मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है, मतलब क्या सॉलिड लिक्विड में बदल सकता है, या लिक्विड गैस में बदल सकती है, या गैस लिक्विड में, फिर लिक्विड सॉलिड में, या सॉलिड और गैस में बदल सकता है। तो आज का लेक्चर का टॉपिक यही है, तो चलिए करते हैं शुरू। तो हाँ, आंसर यही है कि हाँ, हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, और आपने अपने डेली लाइफ में देखा है। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं, आप बर्फ लीजिए, आइस लीजिए, उसको बाहर रख देंगे तो वो लिक्विड में चेंज रहेगा, लिक्विड के बाद आप उसे पानी को बॉइल कर दीजिए, बॉइल करने के बाद वो वेपर्स जो कि होते हैं स्टीम, बाफ, बाफ में निकल के फुर हो जाएगी। तो हाँ, आंसर ये कि हाँ, हो सकता है चेंज। अभी कैसे होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, तो ध्यान से सबसे पहले आप देख रहे हैं सॉलिड टू लिक्विड, बर्फ टू पानी, सिंपल सा लॉजिक। अगर हम सॉलिड टू लिक्विड चेंज होती है कोई भी चीज, तो हम उसे एक प्रोसेस दे देते हैं, नाम दे देते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं हम? फ्यूजन या स्लैश मेल्टिंग। अब बताता हूं क्यों, इसका एक्सरसाइज साथ एग्जांपल हमें लेना पड़ेगा ताकि आपको समझ आ जाए। ये मैंने एक आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आप खुद भी देख सकते हैं, पर आप यहां समझिए। मैंने एक लिया एक बीकर, एक ग्लास, उसमें डाली थोड़ी सी आइस, बर्फ डाल दी। अब बर्फ के बाद मैंने उसमें एक थर्मोमीटर डाला ताकि मैं उसमें टेम्परेचर चेक कर सकूं, ठीक है। अब उसको मैंने रख दिया गैस के ऊपर, या आप घर पे भी कर सकते हैं, कोई मेजर इशू नहीं। उसके नीचे मैंने रख दिया एक बर्नर, या मैंने उसके गैस पर रख दिया, ठीक। अब मैंने उसे जलाया, अब मैंने उसे हीट दी। अब हीट दे दें तो क्या होता है, एक हीट देने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के पार्टिकल्स है, आइस के पार्टिकल्स है। अब सॉलिड के पार्टिकल कैसे रहते हैं? क्लोज। सॉलिड के पार्टिकल रहते हैं क्लोज, तो आप जब हीट दोगे तो क्या होगा, ये पार्टिकल वाइब्रेट करने लगेंगे, पटपट पटपट, ऐसे बीकर में आवाज भी आने लगेगी। तो जब आवाज होगी तो इनके फीट में फिर थोड़ी थोड़ी स्पेस क्रिएट होने लगेगी, तो आप देखेंगे कि ये जो सॉलिड है या जो ये बर्फ है, ये पानी में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि हमने आग दी है, हीट दी। तो ये आपको समझ में आ गया कि इस प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलते हैं, और ये आपको पहले से ही पता है, इसमें कोई नई चीज। तो उसकी डेफिनेशन बड़ा जल्दी सुन लीजिए, द प्रोसेस बाय विच सॉलिड कन्वर्ट्स ऑन एयर टू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड फ्यूजन। सिंपल, एक प्रोसेस जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, किसकी वजह से, हम जब उसे हीट प्रोवाइड करते हैं। अब थोड़ा सा कहानी में चेंज, अब आप इसे जला रहे हैं। मान लेते हैं अपन कि जो आइस का टेम्परेचर है वो -5°C, मान लेते हैं शुरुआत में हमने टेम्परेचर चेक किया थर्मोमीटर से, तो हमें दिखा आइस का टेम्परेचर -5°C है, ठीक। अब आप हीट दे रहे हो मतलब एनर्जी बढ़ रही है, तो हीट एनर्जी बढ़ रही है, तो आप धीरे धीरे -4 पे आया, फिर -3, फिर -2, फिर -1, और एक पॉइंट आया जहां ये आ गया 0 के ऊपर। अब जब ये 0 के ऊपर आया है, तो अब हमारा बर्नर तो ऑन ही है, हमारा हीट तो ऑन ही है, तो आपको लग रहा होगा ना कि 0 से फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे जाना चाहिए। पर एक चीज आप नोट करेंगे, अगर ये प्रैक्टिकल करेंगे तो क्या होगा, 0 डिग्री के ऊपर कुछ समय के लिए थर्मोमीटर रीडिंग देना बंद कर देगा, मतलब 0 पे अटका रहेगा। अब आपको लगेगा कि थर्मोमीटर बिगड़ गया, पर जब आप उसे देखेंगे, आपने सोचा चलो 5 मिनट तक देखते हैं, नहीं 7 मिनट तक देखते नहीं, उसके कुछ समय बाद 7 मिनट या 10 मिनट के बीच में या उसके बाद में क्या होगा, ये थर्मोमीटर की रीडिंग अपने आप बढ़ने लग जाएगी 1, 2, 3 पे। अब सर आपके ये माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 0 डिग्री पर रुका तो रुका क्यों, व्हाई इट हैज बीन स्टॉप्ड ऑन 0 डिग्री, क्वेश्चन है ना। तो इसका मतलब क्या, ध्यान से समझिएगा, 0 डिग्री में वो इसलिए रुका क्योंकि वो चाहता था कि जितनी आपने आइस डाली, जितनी आपने बर्फ डाली, उतनी की बर्फ पूरी लिक्विड में चेंज हो जानी चाहिए। किसमें चेंज हो जाना चाहिए? पूरी लिक्विड में। और जैसे ही वो पूरी लिक्विड में चेंज हो जाएगी,
उसके बाद ही वो टेम्परेचर अपने आप बढ़ेगा। पहले क्या हो रहा था, हम जब हीट दे रहे थे तो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे थे, और आपको ये पता है कि सॉलिड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है, ये मैं बता चुका हूं। अब जब वाइब्रेट हो रहे थे, मतलब वो ये सिर्फ यूं ही हो रहे थे, मतलब आपको हमने अपने दोस्तों से बांध दिया तो आप खुल तो पाओगे, सिर्फ हिलोगे ना, ज्यादा नहीं, बेसिक सॉलिड के पार्टिकल्स थे। अब जब हीट लगातार बढ़ने लगी तो उस हीट ने क्या किया, वाइब्रेट तो हो रहे थे तो उस हीट ने बोला सॉलिड के पार्टिकल को, सॉलिड सॉलिड अब तेरे पार्टिकल तो वाइब्रेट हो चुके, पर अब हमें क्या करना है, तेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना है, तेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग थी ना, उसे हमने वीक किया, पार्टिकल के बीच में स्पेसेस लाके। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गई तो सॉलिड जो आइस है वो पूरी की पूरी किसमें कन्वर्ट हो चुकी होगी, पानी में हो चुकी। तो इसलिए मुझे टेम्परेचर था ना 0 डिग्री सेल्सियस, वहां पर ये रुक गया। क्यों रुका था, इसलिए रुका था क्योंकि वो चाहता था कि पूरी की पूरी बर्फ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, अब ये जो हीट लगी पहली बार हीट ने क्या किया, सॉलिड के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाया। दूसरी बार हीट ने क्या किया कि वो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दिया। तो आप एक चीज नोट करेंगे कि जब 0 डिग्री पे वो रुक गया, जब 0 डिग्री पे रुक गया तो कहीं ना कहीं 0 डिग्री पे वो पानी आइस भी है क्योंकि वो कन्वर्ट हो रहा है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा पानी 0 डिग्री पे वॉटर भी बन चुका है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वॉटर होता है वो आइस भी होता है और वॉटर भी होता है, क्योंकि वो उस प्रोसेस में बन रहा है। ठीक, अब जो हीट लग रही थी, जो हमें दिखाई नहीं दे रही, क्यों नहीं दिखा दे रही थी, क्योंकि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा होता तो हमें दिखाई नहीं थी। कैसे दिखाई देती थी कि आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब आपकी हीट बढ़ रही है, सीधे से लॉजिक है। अब ये हीट हमें दिख नहीं रही क्योंकि टेम्परेचर 0 पर रुक गया था। अब जब ये टेम्परेचर रुक गया है तो जो ये हीट लगी है, जो हमें नहीं दिख रही, इस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। ये है टॉपिक और इसमें क्वेश्चन बनते हैं। अब अपन आ जाते हैं डेफिनेशन पॉइंट। पहले तो मैंने ये बता दिया फ्यूजन क्या होता है। दूसरा, टेम्परेचर एट विच सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे पूरा का पूरा आइस पानी में बदल जाए, हम उसे मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। जैसे आइस का 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री पे पानी भी होगा और आइस भी होगा, याद रखना, भाई मार्क्स का क्वेश्चन है। अब ये लेटेंट हीट, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द, लेटेंट का मतलब भी क्या होता है, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपी हुई, क्योंकि हमें नहीं दिख रही। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। ऐसी हीट जो 1 किलो सॉलिड, कितनी क्वांटिटी हो सकती है इसमें, 1 किलो ऑफ सॉलिड को लिक्विड में बदल देती है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में बढ़ोतरी नहीं होगी। आपने देखा ना 0 पर रुक गया था, तो उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वैसे तो ये इतना पूछना नहीं है, पर इन तीनों में से कोई भी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। चलिए, हमने एक देख लिया सॉलिड से लिक्विड, अब आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट की तरफ। तो अब बात करते हैं अपन लिक्विड टू सॉलिड, जो कि अपना सेकंड कन्वर्जन। अब लिक्विड टू सॉलिड बड़ा आसान है, पानी को बर्फ बना रहे। अब ये तो सबको पता है कैसे बनाते हैं, पानी लिया ट्रे में, उसे डाल दिया फ्रिजर में, आइस उसमें डाल दिया अपने रेफ्रिजरेटर में, उसमें डाल दे, मतलब क्या कर रहे हो, कूलिंग कर रहे, ठंडा कर रहे। तो बड़ा आसान, सुन लो, जब हम लिक्विड टू सॉलिड जाओगे तो सॉलिडिफिकेशन, इसका मतलब क्या, सॉलिड बना रहे, सिंपल फ्रीजिंग, सॉलिडिफिकेशन फ्रीज करते हो, द प्रोसेस बाय विच लिक्विड कन्वर्ट्स टू सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। आप उसे कूल कर रहे, उससे हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन।